नमस्कार, मैं नितिश है, TSP देवघर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एक और बम्पर वैकेंसी आ चुकी है, पटवारी भर्ती 2022। जी हाँ दोस्तों, पटवारी की एक और बम्पर वैकेंसी आ चुकी है और 12वीं वालों के लिए एक सुनहरा मौका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यह एक बम्पर भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, यह बम्पर भर्ती है जो कि 301 पदों पर, इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए कि जेड तक क्या इसके चयन प्रक्रिया रहने वाले हैं, क्या इसके प्रोसेस होने वाले हैं, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल TSP देवघर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं, पटवारी भर्ती 2022 के, और पोस्ट नेम की बात करें तो पटवारी की और नेम ऑफ वैकेंसी 301। जी हाँ दोस्तों, 301 पदों पे वैकेंसी है। तो चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, क्या इसके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर दोस्तों बात करें स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई का, जो कि 4 मार्च 2022 से ये स्टार्ट होने वाला है, और लास्ट डेट है इसका 23 मार्च 2022। जी हाँ दोस्तों, 23 तारीख इसका लास्ट डेट है। और डेट ऑफ करेक्शन, अगर आपके कुछ गलती हो जाती है तो 23 से लेकर 25 मार्च तक इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। और इसका एग्जाम डेट भी वेरीफाई कर दिया गया, जहाँ 10 अप्रैल 2022 को इसका एग्जाम होने वाला है। और बात करें इसका पे स्केल की, तो 5,200 से 20,200 तक इसका पे स्केल होने वाला है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास। जी हाँ दोस्तों, 12th पास, अगर आप 12th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर बात करें इसकी एज लिमिट की, तो यहाँ पे इसके एज लिमिट बताया गया 18 से 40 वर्ष, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 40 वर्ष। और अब बात कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन फी के बारे में, क्या इसका एप्लीकेशन फी है। जी हाँ दोस्तों, अगर जनरल वाले के लिए बात करें तो 350 रुपया है, और OBC वाले के लिए 250 रुपया, और SC ST PWD कैटेगरी के लिए 200 रुपया। और पे फी थ्रू द डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए एक बिग इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सिलेक्शन होने वाला है GK GS के आधार पर होने वाला है, मतलब GK GS आपका इसमें बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप GK GS की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए चक्षु झारखंड सामान्य ज्ञान, जो कि 2022 का एडिशन है, आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, बहुत ही कारगर साबित होने वाली गया है। इस बुक में आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको बहुत ही बेहतर से बेहतर समझाने का कोशिश किया गया है। यह किताब झारखंड के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में उपलब्ध है। आप किसी भी तरीके से आप मंगा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से अमेजन फ्लिपकार्ट से ही मंगा सकते हैं, या फिर ऑफलाइन में अपने नज़दीकी बुक सेलर में जाकर चक्षु झारखंड सामान्य ज्ञान बोलने पर यह किताब आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस जॉब लोकेशन की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ दिया गया, इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, यहाँ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों अगर बात करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट की, तो यहाँ इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया। दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना अनिवार्य है। दोस्तों, मैं इसका नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल TSP देवघर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।